बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी है। मधेपुरा में तृतीय चरण में चुनाव होने की घोषणा हुई है। तो चुनावी चर्चा के बीच में आज हम चर्चा करेंगे बिहार के सबसे हॉट स्पॉट माने जाने वाले जिले मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा की। तो हमको बताएंगे कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा सीट वर्षों से अपनी धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है। उत्तर बिहार और नेपाल के इलाके के लोगों के आस्था का केंद्र कहा जाने वाला सिंहेश्वर सिर्फ वादों में घिरा रहा है। चुनाव में इस बार सिंहेश्वर को पर्यटन स्थल और सौंदर्यीकरण के रूप में विकसित करने का मुद्दा अहम माना जा रहा है। सिंहेश्वर ने अब तक सिर्फ वादों को ही देखा है। पिछले दो दशक से सिंहेश्वर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन आज भोलेनाथ की नगरी उपेक्षित ही है। सिंहेश्वर विधानसभा की बात करें तो 2015 के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक वोटरों की कुल संख्या 285,954 है, जिसमें 52.16% पुरुष मतदाताओं की संख्या है, जबकि 47.84% महिला वोटरों की संख्या है। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में 168,007 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। सिंहेश्वर विधानसभा का यह सीट 2010 से आरक्षित हो गया है। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में सिंहेश्वर विधानसभा सीट पर जदयू का कब्जा हुआ। यहां से रमेश ऋषिदेव, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की मंजू देवी को हराकर विधायक बने थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में रमेश ऋषिदेव को 83,073 वोट मिले, जबकि मंजू देवी को मात्र 32,873 वोट मिले थे। सिंहेश्वर विधानसभा की सीट अपने प्रसिद्ध शिव मंदिर की वजह से राज्य में विशेष महत्व रखता है। इसका धार्मिक महत्व प्राचीन काल से है, क्योंकि यह भूमि श्रृंगी ऋषि की ध्यान स्थली रही है। ऐसा मान्यता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ यज्ञ किया गया था। उन्हें इस महायज्ञ से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह की बातें सिंहेश्वर के बारे में बोली जाती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बम्भोला यादव, जो कि जदयू से खड़ा हुए थे पिछले 5 साल के बीच में, तो 95 में बम्भोला यादव यहाँ जदयू से खड़ा हुए थे। विजय कुमार सिंह राजद से 2000 में खड़ा हुए थे। रामेश्वर प्रसाद यादव जदयू से 2005 में विधायक रहे, जबकि 2010 और 2015 में रमेश ऋषिदेव जदयू से विधायक बने हैं और वर्तमान में वो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किस करवट बैठेगी, किसे अपना वोट देगी। क्या नेताजी फिर से बनेंगे विधायक या कोई नया चेहरा बनेगा सिंहेश्वर का तारणहार। सारे खबरों पर रहेगी हमारी नज़र। आप देखते रहिए सिर्फ beforeprint.in। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।